मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल कल्पना क्रिएटिव कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी हो रहा है टाइम मॉर्निंग का और 10:30 बजे के आसपास। सो मैं जा रही हूँ अपने सेंटर, थोड़ा मार्केट भी जाऊँगी मम्मी के साथ और आज आपके साथ थोड़ा सा मार्केट का शेयर करूँ। काफ़ी दिन बाद जा रही हूँ। ओहो, लाइट ही चली गई। सो बस रेडी हो चुकी हूँ, निकलने वाली हूँ और जैसा भी होगा आपको हम साथ शेयर करेंगे। सो चलिए, और व्लॉग की शुरुआत अभी से कर रही हूँ आपके साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मेरी वीडियोस पसंद आती है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो चलिए, अभी धूप नहीं लगी है, मतलब मौसम बहुत ठंडा है। मैंने ये शॉल ओढ़ लिया है क्योंकि ज़्यादा ठंड हुई तो फिर ऐसे ओढ़ लूँगी। सो इसका फ़ायदा रहता है ये। सो चलिए। सो गाइज, अपनी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी मार्केट और मम्मी ने तब तक अपना काम कर दिया था। बस कुछ एक काम था जो उन्होंने मेरी हेल्प से करना था। सो बैंक गए थे हम लोग, कुछ काम वहाँ पे किया। सो यहाँ पे बस मैं अभी मार्केट पहुँच ही गई थी और आज सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा मार्केट का टूर शेयर करती हूँ। सो ये देखिए, इस मम्मी की हो गई सर्दी की तैयारी शुरू, मतलब कि बगीचे में काम करने के लिए इस तरह के शूज़ चाहिए होते हैं और रफ़ एंड टफ़ होते हैं। सो ये यहाँ पे मम्मी ने ये वाला कलर चूज़ किया था, बट ये साइज़ मम्मी को छोटा हो गया था तो फिर रेड वाला चूज़ किया। और ये मार्केट में बहुत अच्छा सा, मतलब स्टोर काइंड ऑफ खुला है और बहुत अच्छा है, बहुत सारी वेराइटीज़ है शूज़ की। सो मैंने भी एक पेयर यहाँ से लिया है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है, मतलब बाकी शॉप के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे प्राइस हैं। सो वैरायटी ऑफ शूज़ हैं। तो अब क्या हो गया है कि बगीचे का काम शुरू हो गया क्योंकि विंटर्स हैं, तो जो भी एप्पल के और चीज़ होते हैं वहाँ पे बगीचे का काम रहता है, मतलब कि खोदना एंड ऑल और सफाई करनी बगीचे की। सो ये सारे काम के लिए मम्मी को चाहिए थे रफ़ एंड टफ़ से शूज़, तो मम्मी ने ये वाला पेयर यहाँ पे चूज़ किया है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गए थे। सो ये वाले शूज़ हैं और आपको लग रहा होगा कि ये कपड़े स्टफ़ में, बट ये थोड़ा सा मतलब बगीचे वाला स्टफ़ है। सो यहाँ पे मम्मी हैं साथ में और इसके बाद हम लोग चल पड़े थे बाकी की चीज़ें थोड़ी बहुत ख़रीदने। और मार्केट में कम ही भीड़ है, मतलब ज़्यादा नहीं है, कम कम ही लोग थे और प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ चल रहे थे, मास्क वगैरह, और बहुत मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है आजकल मार्केट में। मैं भी काफ़ी दिन बाद आई थी, सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूं। और मार्केट में मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखी जो मतलब रिलेटेड है विंटर से। तो ये देखिए, ये वाले शूज़ भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और यहाँ पे वुलन की शॉप में भी काफ़ी भीड़ थी क्योंकि विंटर्स है, तो विंटर्स में ये सब काम करती है लेडीज़। और ये देखिए, ये चीज़ें आपको दिखानी थी मैंने। सो ये यहाँ पे नट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, किशमिश है, और ये एप्रिकॉट सुखाए हुए हैं, साथ में वॉलनट्स हैं, तो ये भी मतलब आ गए हैं विंटर्स में, और विंटर्स में ही ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं, आगे पीछे गर्मियों में नहीं खाए जाते। और यहाँ पे मुझे आते आते दिखी थी सब्जी वाली आंटी, फ्रेश पालक हैं। सो क्योंकि आजकल पालक, बथुआ, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और ये यहाँ पे अलग से स्टॉल लगा है स्पेशल, जो सब्जी बेचने वाले होते हैं उनके लिए अलग से पर्टिकुलर जगह है, पहले नहीं थी, अभी अभी ये यहाँ पर तैयार हुई है मार्केट में। और यहाँ देखिए मुझे मूँगफली गच्चक। सो इसके बाद गाइस, हम वेट कर रहे थे ऑटो का और यहाँ पे थोड़ी धूप लगी थी। यहाँ पे चलिए आपको कुछ एक चीज़ें दिखाती हूँ। सो यहाँ पे विंटर्स के लिए ये किन्नौर से आए हैं स्पेशल, और इन्होंने यहाँ पे
किन्नौर की जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो लेके आए हैं और यहाँ सड़क में इस तरह बैठे थे। सो इनके पास है किशमिश, अखरोट वगैरह ये सारी चीज़ें। और ये अंकल थे, इनके पास यहाँ पे जो शिलाजीत होता है और बड़ी इलायची, बहुत सारी मसाले, ये इनके शायद खुद की ही उगाए हुए थे। और यहाँ पे मतलब अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। सो ये विंटर्स का सारा है जो मार्केट में आजकल आया है और ये जगह जगह बैठे हैं ये लोग। सो बहुत अच्छा लगा ये देख के। तो हमने यहाँ से, मम्मी ने शिलाजीत ली, काफ़ी अच्छी होती है विंटर्स में और आपकी बॉडी को बहुत स्ट्रांग, मतलब आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती है। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये हैं औज़ार जो खेतों में काम करने के लिए विंटर्स में बहुत काम आते हैं, स्पेशली बगीचे की सफाई के लिए। ये दराट वगैरह और कुल्हाड़ी हैं और दराटी हैं। इसके बाद गाइज मैं पहुंच गई थी घर। आई होप आपने ये छोटा सा व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो यहाँ पे बचा था साग, फ्रिज में परसों बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वो ही मैंने आज थोड़ा सा इसमें तड़का लगा दिया। सो घर आके ये बनाने के बाद उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, तो फिर ज़्यादा शूट नहीं किया आज। सोचा कि चलो थोड़ी सी अलग चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ, मार्केट में क्या क्या चीज़ें आई है स्पेशली बगीचे से रिलेटेड, क्योंकि अब सीज़न शुरू हो गया है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तीन महीने बहुत मेहनत वाले होते हैं हिमाचल में। सो चलिए गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। छोटा सा व्लॉग है, उम्मीद है पसंद आया होगा। लॉट्स